ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। शाबर मंत्रों को लेकर बहुत सी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को होती हैं। मैंने देखा है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि गुरुजी, ये जो शाबर मंत्र हैं इनको स्त्री पुरुष कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, शाबर मंत्र जो हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, ये कीलित नहीं होते, और इनके जो रचयिता हैं वो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ से ये उत्पन्न हुए हैं और हम तक पहुंचाने का जो सौभाग्य मिला है वो हैं मच्छिंद्रनाथ जी, जो कि मछली का स्वरूप लिए इन सारे मंत्रों को सुन रहे थे और हम तक पहुंचाने वाले सर्वप्रथम ऋषि स्वयं मच्छिंद्रनाथ थे। तो उन्हीं की कृपा से आज हमें शाबर मंत्रों का ज्ञान हुआ है। तो सोचिए किस तरह से, कहां पर, कैसे ये जो मंत्र हैं इनका निर्माण हुआ होगा, और उस समय पर जो गुरुजी हैं वो वहां पर थे और इन सभी मंत्रों को, यंत्रों को वो सजो रहे थे। और इतना कुछ याद रखना किसी सामान्य पुरुष के वश की बात नहीं है। तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने ये सारा कुछ जो है याद किया और आगे अपनी नई पीढ़ियों को सिखाया। तो पहला क्वेश्चन था कि गुरुजी, क्या स्त्री पुरुष शाबर मंत्रों को कर सकते हैं? तो हाँ, स्त्री पुरुष में से कोई भी शाबर मंत्रों को प्रयोग में ला सकता है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि गुरुजी, क्या शाबर मंत्रों को सिद्ध करने का कोई विधान है, कोई ऐसा मुहूर्त होता है जिस दिन करना चाहिए, या फिर किस तरह से किया जाए, क्या काल होता है, क्या तिथियां होती हैं? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शाबर मंत्र होते हैं ये स्वयं सिद्ध होते हैं। यदि किसी मंत्र को बता रखा है कि इस समय पर सिद्ध करना है तो उसी समय पर कीजिएगा, अन्यथा सुबह शाम शाबर मंत्रों के लिए सर्वोत्तम होती है। सुबह का वो पहर जब सूरज जो है अपनी लालिमा बिछाने ही वाला हो, अंधकार ने अपने पैर पसार रखे हों, उस समय पर आप शाबर मंत्रों को कर सकते हैं। और शाम के समय जब सूरज जो है वो डूब गया हो और उसकी लालिमा रह गई हो, बस दिन जो है छिपने ही वाला हो लेकिन छिपाना हो, इस समय पर कुछ ऐसे पोर्टल्स खुलते हैं जिसमें कि शाबर मंत्र जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो शाबर मंत्रों की जो साधनाएं हो रात्रि कालीन भी होती हैं, जहां जैसा बता रखा हो बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। फिर पूछा जाता है कि गुरुजी, जो वस्त्र हैं वो किस रंग के पहनने चाहिए? तो देखिए, हर कर्म के अपने वस्त्र होते हैं, अपना रंग होता है, किंतु सफ़ेद और लाल रंग ये सर्वोत्तम है। ये किसी भी आप अनुष्ठान में पहन सकते हैं। जैसे माँ भगवती बगलामुखी के लिए आपको पीला रंग जो है वो सर्वोत्तम होता है, माँ सरस्वती के लिए सफ़ेद रंग, और माँ भगवती जितने भी स्वरूप हैं माता के उनके लिए लाल रंग। तो इन रंगों को पहनकर यदि आप साधना करते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र आपको जो है साधना का फल मिलता है। फिर मुझसे कई लोग पूछते हैं, गुरुजी साधना का स्थान कौन सा होना चाहिए, किस स्थान पर करें, किस स्थान पर ना करें? तो साधना जो है वो हमेशा एकांत में करनी चाहिए, किसी ऐसे प्रदेश में करनी चाहिए जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई ना हो, कोई पहाड़ हो, कोई गुफा हो, कोई ऐसा नदी तट हो जहाँ पर कि आप एकांत में हो, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं वो एकांत में आती हैं। यदि आप तीन चार को लेकर जा रहे हैं साधना करने तो वो साधना नहीं होगी, उसे विचरण कहा जाएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि मुस्लिम शाबर मंत्र होते हैं, तो पूछा जाता है कि गुरुजी, क्या हम मुस्लिम शाबर मंत्र प्रयोग में ला सकते हैं? तो देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो दवाई है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसने बनाई है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है,
फ़र्क पड़ना चाहिए कि जो आपकी तबीयत थी वो उससे ठीक हो जाए। आपके जो रोग थे, जो विकार थे, वो उस औषध से ठीक होते हैं, तो वो एक वरदान है। चाहे वो किसी ने भी कैसे भी बनाए हो, यदि वो सटीक काम करता है तो वो एक वरदान है, तो उसे ग्रहण करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा समझे वैसा कीजिएगा। संध्या काल जो है ये सर्वोत्तम माना गया है साधना काल के लिए। शाबर मंत्रों में संध्या काल का जो समय है वो सर्वोत्तम है। अब कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी माला का क्या विधान है, कौन सी माला लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, जहाँ पर भी माला विशेष का जिक्र होता है वहाँ पर उस माला के बारे में बताया जाता है कि इसमें स्फटिक लगेगी, तुलसी लगेगी, कौन सी लगेगी। लेकिन जहाँ कहीं माला का जिक्र ना किया गया हो वहाँ पर आप रुद्राक्ष की माला प्रयोग में ला सकते हैं आँख मूंद कर। अब पूछा जाता है कि गुरु जी क्या दीपक की जगह हम मोमबत्ती लगा सकते हैं, या कौन से घी का लगाना चाहिए, तेल का लगाना चाहिए, और किस तरह से लगाना चाहिए, सुगंधित धूप लगानी चाहिए, अगरबत्ती लगानी चाहिए, क्या लगाएं। तो देखिए, जो भी चीज़ आपकी साधना को और दृढ़ करती है, आपका जो ध्यान है वो स्थिर करती है, ऐसी चीज़ों को अपनी साधना में लाना चाहिए। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो तानपुरा हो, चाहे ऐसा कुछ भी वाद्य यंत्र हो जो कि आपको एक औषध के रूप में, आपको एक एक जैसे सप्लीमेंट होते हैं उसके रूप में अगर वो काम कर रहा है तो आपको उस चीज़ को लाना चाहिए। दीपक जो है वो माटी का होना चाहिए, जो उसकी बाती है वो कॉटन की होनी चाहिए, और शुद्ध देसी घी का आपको दिया लगाना है। और बाज़ार में जितने भी घी मिलते हैं वो शुद्ध देसी घी नहीं है, उनको यूज़ मत कीजिएगा। जो गांव देहात में मिलते हैं उस घी का प्रयोग किया कीजिए। और इसके बाद जो है आपकी साधना शीघ्र अतिशीघ्र फलित होगी। अब कई ऐसे भी मंत्र होते हैं शाबर मंत्र, जिनमें कि मांस मदिरा और ये सब अर्पित करने की विधि विधान होते हैं। तो देखिए, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ जहाँ पर मांस या मदिरा का मंत्रों में प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही सात्विक चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इन चीज़ों को मोल्ड किया हुआ है। कहीं पर भी बलि की जब प्रथा आती है तो मुझे उस पर विश्वास नहीं होता, तो मैं इसका पूर्णतः खंडन करता हूँ कि मांस मदिरा का कहीं पर आप पूजा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि गुरु जी बताइए कि जाप संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, हर मंत्र अपने भीतर एक अलग शक्ति समाहित किए होता है। यदि आप अपने मन से सारे मंत्रों को 108 जपने लग जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। हर मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर मंत्र का एक चार्जिंग पॉइंट होता है। जितना आप उसे चार्ज करेंगे, जितना आप चैंटिंग करेंगे, जितना उसको गुंफन करेंगे, वो उतना ही प्रबल होता है। तो जितनी संख्या बताई गई हो सटीक वही संख्या होनी चाहिए, अन्यथा मंत्र जो है वो काम नहीं करते हैं। जब तक एक फ्रीक्वेंसी नहीं बनती आपके और आपके साध्य के बीच में, एक संबंध नहीं बनता, तब तक वो चीज़ जो है काम नहीं करेगी। फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं होगी तब तक मंत्र काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मंत्रों का जाप करें। एक बहुत बढ़िया बात याद आई है कि जब भी कभी मंत्रों का आप जाप करें तो याद रखें कि समुद्र तल से आपकी दूरी कितनी है, ऊंचाई पर आप कितने हैं। जितनी आपकी ऊंचाई होगी समुद्र तल से, उतना ही अधिक शीघ्रता से मंत्र जो है वो अपना काम करेगा। आपने देखा होगा कि कुछ जगहों के जो हैं वो मंत्र प्रसिद्ध हैं, जैसे राजस्थान हो गए, बंगाल हो गया और हिमाचल हो गया। तो ये तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि आज भी ये चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में की जाती हैं। मैं अभी किन्नौर जाकर आया हूँ और बैजनाथ जाकर आया हूँ, और यहाँ पर मैंने बहुत सी ऐसी साधनाएँ देखी हैं, सीखी हैं, और मैंने देखा कि बहुत ही चमत्कारी लोग हैं यहाँ के। इन्होंने आज भी अपनी इस विद्या को जीवित किए हुआ है और आज भी इनके पास कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं जो कि वो किसी को नहीं बताते। लेकिन क्योंकि मैं
उनके रिलेटिव्स में आता हूँ तो वो मुझे बता देते हैं, और उनको मैं यूँ समझिए कि प्रिजर्व करके रख लेता हूँ ताकि ये जो विद्या है ये कहीं लुप्त ना हो जाए। तो देखिएगा आप, ये जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर पहाड़ हैं, तो पहाड़ से क्या होता है कि आपका जो एलिवेशन है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, और वहाँ से यदि मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र लगता है। अब कई बार क्या होता है कि बलि का जो विधान है वो आवश्यक होता है, तो बलि कैसे दी जाए, तो आपने देखा होगा कि हवन में जो है नारियल की बलि दी जाती है, जब समापन होता है तो नारियल रखा जाता है जिससे कि बलि का जो कार्य है वो सिद्ध हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी आपको बलि का प्रावधान दिखे, जहाँ पर भी लिखा हो कि इसके बाद बलि देनी है, तो किसी भी जीव की हत्या ना करें, उसकी जगह पर आप एक नींबू काट सकते हैं, या फिर एक पानी वाला नारियल जो है, या एक सूखा नारियल जो है वो चढ़ा सकते हैं। इससे जो है बलि का प्रावधान जो है वो पूर्ण हो जाता है, और आप जो हैं किसी जीव की हत्या करने से बच जाते हैं। कभी भी किसी ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र में विश्वास मत कीजिएगा जहाँ पर बलि की, आपको किसी पशु की बलि के बारे में जिक्र किया गया हो। पशु की बलि के मैं सख्त खिलाफ हूँ, और आप देखिए एक निर्जीव को जो बोल नहीं सकता, उस जीव के प्राण हर लेने में कैसी मानवता होगी। यदि आपके भीतर इतना ही विवेक नहीं है तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए काम नहीं करेंगी, क्योंकि जब ये जो शक्ति है ये तब काम करती है जब आप एक लेवल ऊपर हो जाते हैं आम जनता से, जब आपके भीतर एक सामर्थ्य आता है, एक धैर्य आता है, और एक विवेक आता है जो कि चीज़ों को समझता है। कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उससे पहले उसके भीतर क्या चल रहा है वो आप यदि जान सकते हैं तो आप एक योगी हैं, और आम जनता से थोड़ा सा ऊपर उठे होते हैं योगी। तो जो भी साधना करते हैं, जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं पार्ट टू बनाऊंगा। तो जो भी क्वेश्चंस हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उन सब का आंसर मैं 24 घंटे के भीतर अगले वीडियो में दे दूंगा। धन्यवाद।